तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ। ये कई लोगों की बड़ी बड़ी विचित्र, कई लोग कहते हैं हम तो बड़े परेशान हो गए, हम तो मर जाएं, हम तो जा रहे हैं ना तो कुआं में कूद के मर जाएंगे। हमने कहा फैशन चेंज करो, कब तक कुएं में कूदोगे? जब देखो जब कुआं में कूदना ये फैशन, अब मरने का फैशन रस्सी बांध के मर जाओ, ये फैशन थोड़ा चेंज करो ना, ओल्ड फैशन है, कोई न्यू लेकर आओ। तो क्या गुरु जी आप बता दो नया फैशन मरने का। हमने कहा शंकर जी का इतना भजन करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो कि शंकर की भक्ति में लग जाओ और उसी का भजन करते करते प्राण छूट जाए तो मरना। फिर एक बार ऐसे मरो मरो मरो, सब कोई कहे मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। जब भगवान का भजन करते करते मरोगे तो चल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा करी, पानी में डूब के मरोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, ना नरक ना स्वर्ग, प्रेत की योनि में भटकते रहोगे, हवा के रूप में प्रेत की योनि में भटक रहे, भूत बन गए, प्रेत बन गए, प्रेत की योनि पड़ गई, पानी में डूबकर मर गए, सर्प के डसे से मर गए प्रेत योनि, स्त्री के हाथ से मर गए प्रेत योनि। कई लोग कहते हैं गुरु जी मैं उसको बहुत चाहूं, ओ की तो शादी हो गई, मैं तो उसके चक्कर, स्त्री के चक्कर में मरेगा भूत बन जाएगा, बिल्कुल मत मरना, छोड़ो प्लान, क्या मरना, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोई।